वो कहते हैं ना, 100 साल जीवित रहने के लिए 100 साल जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में आप कितने भी टाइम के लिए रहें, कितने भी टाइम के लिए जीवित रहें, कितने भी टाइम के लिए आप दुनिया में रहें, आपने कुछ इस तरह कर जाना होता है कि जो आपका लिया हुआ काम और आपका नाम हमेशा मर रहे। ये बात हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी श्रीनिवास रामानुजम के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। श्रीनिवास रामानुजम के बारे में बताऊँ, सिर्फ 32 साल जिए, सिर्फ 32 ईयर जिए, पर 32 ईयर्स में 3900 रिजल्ट दिए। वैसे बहुत सारी थ्योरम भी थी, बहुत सारे फॉर्मूले भी थे, उनकी थ्योरी तो इवन ब्लैक होल समझाने में भी काम आ रही है, उनकी डेथ के 97 साल बाद भी। मतलब श्रीनिवास रामानुजम का नाम आज भी जिंदा है, उनका काम आज भी जिंदा है, उनकी थ्योरी, कई थ्योरी आज भी प्रूव नहीं हो पाई है। जो उन्होंने रिजल्ट दिए थे, आज भी दुनिया भर के मैथमेटिशियन उनको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये कहानी हमारी श्रीनिवास रामानुजम की। हम और आप, भाई मुझे गणित से डर लगता है, आपको गणित से लगता है, हमें गणित समझ नहीं आती, गणित हमसे खेलती है। पर श्रीनिवास रामानुजम जो थे वो गणित के साथ खेलते थे, इस तरह खेलते थे कि सोते जागते उठते, इवन जब सो रहे थे कई सारे फॉर्मूले वो दिमाग में बना लेते थे। उनका कहना था कि उनकी जो गॉडेस नामगिरी है वो उनको आके सारे फॉर्मूले थ्योरम जो भी बताती है अगले दिन उसको लिख देते हैं। एक अच्छी बात मुझे श्रीनिवास रामानुजम की लगी, उन्होंने बोला एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट इज एक्सप्रेसिंग अ थॉट ऑफ गॉड। मतलब किसी इक्वेशन का, किसी थ्योरम का इसमें मेरे लिए कोई मतलब नहीं है अगर भगवान के विचार को नहीं प्रकट कर रही। इससे पता है कितने स्पिरिचुअल माइंडेड थे, भगवान में कितना बिलीव करते हैं। आज की युग में उनकी बायोग्राफी में आपको बताऊंगा किस किस तरह से उनका रहा, क्या क्या उन्होंने करा। उनके जन्म की मैं बात करूं तो उनका जन्म December 22, 1887 में तमिलनाडु के ईरोड जगह पे आता। उनके फादर के श्रीनिवास अयंगर जो थे साड़ी शॉप में कलर की तरह काम करते थे, और उनकी माताजी कोमला तमल जो थी एक हाउसवाइफ थी। शौकिया तौर पे वो कभी कार मंदिर में गाना गाने के लिए भी जाती थी, जिसके लिए उनके कुछ पैसे मिलते थे। इनकी फैमिली की बात करूँ तो इनकी फैमिली में माँ बाप तो इनका परिचय हो गया। ये टोटल सब मिला के थे 5 भाई बहन, पर 5 में से 3 भाई बहन, 3 तो ऐसे थे जो 1 साल की उम्र क्रॉस होने से पहले ही स्मॉल पॉक्स की वजह से मृत्यु हो गई थी इनकी। तो बचे रामानुजम जो सबसे बड़े भाई थे, और सबसे छोटा भाई उनका जिसका नाम था तिरुनारायण। तिरुनारायण का जन्म 1905 यानी 1905 में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु थी 1978 में हुई। और तिरुनारायण ने जब रामानुजम काम था कंपाइल करके लोगों तक पहुँचाया। एजुकेशन की बात करूं तो जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया था कांग्यान प्राइमरी स्कूल से। हायर स्टडीज़ के लिए वो टाउन हाई स्कूल में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत एक्सेल करा। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है इस टाइम पे कि जहाँ रामानुजम रहते थे उनके किराए पे 2 लड़के रहते थे, वो 2 लड़के हायर स्टडीज़ कर रहे थे। तो रामानुजम ने एक बार इनसे बोला कि भैया मुझे भी अपनी किताब पढ़ने के लिए आप दिखा दो। तो दोनों जो लड़के थे उन्होंने रामानुजम का मजाक उड़ाया, कहा कि बेटा आप बहुत छोटे हो उन किताबों को पढ़ने के लिए, अभी आपकी उम्र इन किताबों को पढ़ने नहीं। पर रामानुजम अपनी जिद पड़े रहे कि मुझे किताब चाहिए, तो उन बच्चों ने कहा कि चलिए रामानुजम किताब दे देते हैं। तो जब उन्होंने अगले दिन रामानुजम से पूछा कि आपने किताब का क्या करा, तो रामानुजम ने बोला मैंने किताब पढ़ ली। तो जब उन लोगों ने उनसे रामानुजम सवाल पूछा, रामानुजम ने बता दिए। कुछ टाइम बाद रामानुजम अपने से बहुत बड़े बड़े बच्चों को ट्यूशन देने लगे उन्हीं के कॉलेज के। तो इससे पता लगता है रामानुजम का कैलिबर कितना था। अच्छा, और थोड़ा आगे टाइम बीता तो उनको किताब भी एडवांस ट्रिगोनोमेट्री बुक ली, एसएल लूनी की बुक ली। तो रामायण की जो रामानुजम की जो गाइड है उसको एक शेप मिला बेटा, जो भी वो करना चाहते थे उसका एक शेप मिला। फिर जब 14 साल के हुए उनको बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड मिले, मेरिट मिले, सर्टिफिकेट करे। और पेपर सॉल्व करने की मैं बात करूँ, मतलब नॉर्मल बच्चा जिस पेपर को मान लो 3 घंटे में कर रहा है पूरे टाइम में, रामानुजम उसी पेपर को 1.5 घंटे में करते थे, मतलब आधे से भी कम टाइम में करते थे। पर यह बात खाली मैथ के लिए अप्लाई होती थी, और पेपर में और सब्जेक्टों में उनका इंटरेस्ट नहीं था। 1903 का टाइम आया, 1903 का टाइम आया, उनके एक दोस्त ने उनको किताब दी अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस बुक में 5000 थ्योरम थी, और जीएस कार ने इसको लिखा था। कहा जाता है कि यही बुक जो है रामानुजम के कैरियर का टर्निंग पॉइंट हुई, रामानुजम की जो सोच में भाई एक रिवॉल्यूशन आया, और उन्होंने मैथ को और भी ज़्यादा पैशन से और भी ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर। 1904 में रामानुजम ने बर्नौली नंबर बनाए,
और उनको इन्वेस्टिगेट भी करा। अब इवन उन्होंने यूलर मैस्कर यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू 15 डेसिमल पॉइंट तक बताई। भाई मुझे नहीं पता ये यूलर मैस्कर यानी कॉन्स्टेंट क्या होता है, मुझसे आप पूछना मत, मैं प्लस माइनस में गलती करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई में गलती करता हूँ, मैं एडिशन में, मैं डिवाइड, मैं रामानुजम नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी और रिसर्च बता पाऊँ, हम एक साधारण से आदमी हैं। आगे चल के उनके जो स्कूल के हेड मास्टर थे कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने उनको के रंगनाथ राव अवार्ड दिया, जिसकी वजह से उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। अब स्कॉलरशिप मिल पाती है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है, बट वहाँ पे क्या होता है, अगेन रामानुजम का मैथ्स के प्रति दीवानगी, खाली वो मैथ में इंटरेस्टेड है, बाकी वो सब्जेक्टों में बहुत बुरी तरह से फेल थे, मैथ में उनका एक भी नंबर नहीं कटता था, उनके पूरे में से पूरे नंबर आते थे, जिसकी वजह से उनकी वो स्कॉलरशिप छीन ली जाती है। बाद इसके बाद रामानुजम क्या करते हैं, 1905 में रामानुजम अपने घर से भाग के चला जाते हैं विशाखापट्टनम, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर वहाँ भी छोड़ देते हैं, एक महीने बाद वहाँ से वापस आते हैं। 1906 में ये कि रामानुजम जो है फेला फाट एग्जामिनेशन बैठते हैं, पर उसमें तो सारे पेपर आते थे, सारे सब्जेक्ट आते, तो वो दोबारा फेल जाते हैं उसमें। 1907 में दोबारा उस पेपर में बैठते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से उनको छोड़ना पड़ता है, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। तो रामानुजम क्या करते हैं, अब वो कहते हैं कि मैं कोई डिग्री विग्री के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपनी इंडिपेंडेंट साल। रामानुजम इस तरह चलते रहे, 1910 तक उनका टैलेंट कोई भी आइडेंटिफाई करा, 1910 में जाके उनका टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ। इसी बीच 14 जुलाई 1909 को रामानुजम की शादी हो जाती है, उनकी वाइफ का नाम था जानकी अमल, और रामानुजम जिस समय शादी हुई उस समय थे 22 साल के और उनकी वाइफ सिर्फ 9 साल की थी। उस समय भाई बाल विवाह चलते थे, आजकल की तरह नहीं है कि 40-50 साल तक शादी नहीं हो रही या बहुत लेट शादी हो रही, उस समय बाल विवाह चलते थे, लोग जल्दी जल्दी शादी करते। हालांकि जब उनकी शादी उनकी वाइफ की तो उस समय वो उनके साथ रहने नहीं आ गई थी, जब वो प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेती है 2012 में, तब वो जाके मद्रास में उनके साथ रहने लग जाती हैं। 2010 में रामानुजम जो थे मद्रास में थे, वहाँ पे कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे और घूम घूम के लोगों के अकाउंटिंग सर में मदद भी करते थे, जिसकी वजह से उनके कुछ पैसे मिलते थे। ऐसी नौकरी की सर्च में 2010 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले गए अकाउंट जॉब के लिए, वहाँ पे उनको मिले रामास्वामी अय्यर। रामास्वामी अय्यर थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। तो जब ये रामानुजम ने उनको अपना काम दिखाया तो वो उनके काम से इंप्रेस हो गए, क्योंकि वो मैथ की समझ रखते थे, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी रामचंद्र राव को बुलाया और कहा देखो रामानुजम है बहुत मैथ में अच्छा काम करते हैं, आप इनकी मदद करो और इनको जो भी पैसा पूसा भी चाहिए थोड़ा उनको पैसा पूसे से भी मदद करो ताकि अपने काम को ये जारी रख पाए। अब धीरे धीरे करके जो रामानुजम का काम था वो उसमें भी एडिटर जनरल्स में भी आने लग गया। दिक्कत क्या थी, इनिशियली उनके काम में तो कोई खराबी नहीं थी, पर उनका राइटिंग बहुत ख़राब था और उनके प्रेजेंटेशन इतनी ख़राब थी कि स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक निकली गई उनके काम में। 2012 आते आते रामानुजम की फाइनेंशियल कंडीशन इनकी इम्प्रूव हो गई, उनकी जॉब लगी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में और उनकी सैलरी थी मात्र 20 रुपये, फिर वो टेम्प्रेरी जॉब थी। उसके बाद एक नौकरी उनकी लगी 30 रुपये की, वो थी हमारी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में और वो जॉब थी ग्रेड 4 क्लर्क के लिए। अब आप सोचो इतना बड़ा मैथमेटिशियन जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड नाम हुआ, जिनको दुनिया आज भी जानती है, उनको भी 20-30 रुपए की नौकरी करनी पड़ी। ये उन लोगों को इस बात से समझना चाहिए जो कहते हैं ना लाइफ में आसानी से चीज़ें मिल जाएं। आप कहते हैं IIT की तैयारी 6 महीने में हो जाए, IAS 1 साल में लग जाए, कोई भी CGL बैंक पे एग्ज़ाम 2 महीने में क्लियर हो जाए, मतलब हमें इंस्टेंट सफलता चाहिए। और यहाँ देखो रामानुजम इतना टैलेंट होने के बावजूद भी 20-30 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। एक रास्ता होता है किसी भी एम तक पहुँचने, किसी मंजिल को जिससे हम कहते हैं स्ट्रगल, उससे होकर जो गुजरता है वही सबसे आगे बढ़ता है। तो 20-30 रुपये की रामानुजम जॉब करी अपने एम के खातिर, अपने मैथ को जिंदा रखने की खातिर, खुद के सर्वाइवल के लिए। अब 1913 का टाइम आ गया जब रामानुजम और उनके दोस्तों ने देखा कि रामानुजम जैसे जीनियस को यहाँ पे 20-30 रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है। रामानुजम अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले आए थे, एक एडिशनल जिम्मेदारी परिवार की, जीनियस बनना तो छोड़िए, रामानुजम अपने परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल, 2 वक्त तक खाना जुटाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमें बाहर के ब्रिटिश सर मैथमेटिशियन से हेल्प मांगनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए अपना काम। यार अपना इंडिया ग्रेट है, अपना हम इंडिया पे प्राउड भी करते हैं, हम दिल से इंडियन हैं, फील से इंडियन हैं, अपने बातों से इंडियन हैं। बट एक बात आप देखोगे कि इंडिया में जो रियल इज्जत है ना, अगर मैं आप कुछ भी बातें करूँ, मैं बहुत क्लियर बातें, 3 लोगों की इज्जत होती है इंडिया में। एक पॉलिटिशियंस की है ना, जो नोट के बदले वोट मांगते हैं, वोट या वोट के बदले नोट मांगते हैं। दूसरा क्रिकेटर्स की,
कितने, या तीसरा आपके बॉलीवुड वालों के जो हीरो हीरोइन कहलाते हैं। इनके अलावा आप देखते हो किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा पूछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नेम नहीं है, बहुत ज़्यादा फेम नहीं है, और यही चीज़ का फ़ायदा ही उठाते हैं अंग्रेज लोग। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा टैलेंट है उसको यहाँ से उठा के ले आते हैं बाहर। जितने भी बड़ी कंट्रियाँ देखोगे आप, देखोगे सारी बड़ी पोस्टों पर इंडियन क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे क्रीमी लेयर को उठा लेते हैं। बच्चे यहाँ पढ़ेंगे सारे के सारे, IIT से यहाँ पढ़ेंगे, NIT से यहाँ पढ़ेंगे, नौकरी वहाँ करेंगे। इसे ही ब्रेन की ड्रेन कहते हैं। माइग्रेशन स्किल पीपल टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे इंडिया में वैल्यू चीज़ों की कम की जाती है। एग्जाम्पल आप देखो, टीचिंग प्रोफेशन है, क्या आपको पता है कि अगर बाहर देश में कोई टीचर है तो कितनी सैलरी होगी उसकी? आप सोचो, 1 लाख, 2 लाख, 16 से 17 लाख सैलरी होती है 1 महीने की। तो वहाँ पे टीचिंग को सबसे रेपुटेड प्रोफेशन माना जाता है। इंडिया में टीचरों की सैलरी होती है आपकी 20,000-25,000, अगर थोड़ी BSc MA SSc जो भी वो कहते हैं, 30,000 से 35,000-40,000 पे जाके सैचुरेशन मिल जाता है। ये हाल है। तो कैसे हमारे इंडियन टीचर वो मैच कर पाएंगे वो वाला स्टैंडर्ड? इसी वजह से हमारा पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। टॉपिक पे आते हैं, बहुत इमोशनल होंगे, तो उन्होंने देखा कि जब इंडिया में पूछने हो रही है रामानुजम की, तो उन्होंने कहा बाहर से, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग लेटर लिखते हैं। तो इसी में सब तीन जो थे, EW Middlemast जो ये प्रोफेसर थे, नारायण अय्यर जो इनके थे दोस्त थे, और रामचंद्र जाओ जो सेक्रेटरी थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने, इन्होंने एक लेटर लिखा ब्रिटेन में। सबसे पहले लिखा इन्होंने एम जॉन हिल को, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। एम जॉन ने देखा, उन्होंने बोला इसमें कुछ खास बात नहीं, इसमें फाउंडेशन मिसिंग है, बेसिक चीज नॉलेज मिसिंग है, इन शॉर्ट उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। पढ़ते तो समझ आता ना उनको। देखो एक बात समझो यार, अब हमारी हमारे इंडिया में वैल्यू नहीं हो रही, तो क्या आपको लगता है ब्रिटिशर्स चाहेंगे कोई इंग्लैंड इंडिया वाला उनसे आगे निकल जाए, कि उनसे बढ़िया मैथमेटिशियन इंडिया का आगे निकल जाए? नहीं ना। तो उन्होंने वैसे भी इंडिया का ऐसा ठीक है खड़ा। फिर इन्होंने लेटर लिखा EW Hobson को, वो अगेन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। EW Hobson ने क्या करा, लेटर खोल के भी नहीं देखा, एज इट इज उसी एड्रेस पे देखा, मद्रास में वापस कर दिया। फिर लेटर लिखा HF Baker को, वो अगेन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लेटर फाला खोला, खोल के भी देखा, उसी लेटर को दूसरे लेटर एनवलप में रख के वापस कर दिया। मतलब दोनों में से किसी ने भी ये जनमत नहीं करी कि भाई हम इसको देख ले इसका कंटेंट क्या है। पर देखो, जहां सही लोग है वहां बुराई भी है, जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है। एक अच्छे थे, जनवरी 16, 1913 को GH Hardy जो कैनिंगब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक के प्रोफेसर थे, उनको लेटर लिखा गया। अब हार्डी साहब ने सोचा पहले कि यार कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कि मेरी टीम के देखा कि 9 पन्नों का तो लेटर ही था, उसमें जो भी थीसिस थे जो सर थी। इन्होंने अपने दूसरे मैथमेटिक के प्रोफेसर को बुलाया, लिटल वुड। इन्होंने और लिटल वुड ने 2.5 घंटे इसको पढ़ा, और जब 2.5 घंटे के बाद उन्हें पता लग गया जिस भी इंसान का ये लेटर है, जिस भी इंसान की रिसर्च है, कैलकुलेशन है, थ्योरम है, जो भी ये चीज़ है, ये कोई जीनियस है, ये आम आदमी नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी जो उन्होंने कभी सुनी नहीं। बड़े बड़े फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को बहुत छोटे में लिखा गया था, सीधा रिजल्ट लिखे गए थे, और सिर्फ 2.5 घंटे में उनको पता लगे। अब सोचो, जो श्रीनिवास रामानुजन 26 साल से इंडिया में रह रहे थे, उनको गुमनाम था, उनको कोई जानता नहीं था, सिर्फ 2.5 घंटे दो अंग्रेजों ने पता लगा लिया, जीनियस है। इस प्रॉब्लम से ही हमारा इंडिया जो है पीछे रह रहा है भाई। फिर 1913 को GH Hardy ने रामानुजन को एक लेटर लिखा कि मैं आपके काम में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपका काम चला, काम करिए, आप कैम्ब्रिज आ जाइए, और दोनों बैठ के यहाँ पे जो भी रिसर्च करेंगे, जो भी आपके पेपर को प्रूव करेंगे, जो भी करें। बट रामानुजम ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि रामानुजम की कुछ अपनी मजबूरी थी। रामानुज इस बैकग्राउंड से जिले, वहाँ पे एक बिलीव है था उस समय कि कोई भी समुद्र लांग करके नहीं जा सकता, अगर लांग करके जाएगा तो ऐसा मानो कि देवी भगवान जो है वो उससे नाराज हो जाएंगे और उनको कुछ बुरा उनके साथ हो पाएगा। और रामदी ये जो थे नामगिरी के भक्त थे रामानुजम, तो नाराज तो नहीं कर सकते थे जिन देवी ने इतना कुछ दिया था उनको, तो उनके दिमाग में थॉट था, ठीक है। तो इसके बाद क्या करा, एक और प्रोफेसर थे गिलबर्ट वॉकर, उन्होंने भी देखा कि इनका काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने कि इनकी सिफारिश करी मद्रास यूनिवर्सिटी में कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इनको हर महीने 75 की सैलरी दी गई वहाँ से, मद्रास यूनिवर्सिटी से, ताकि अपना रिसर्च का काम करें। हालांकि बाद में जाके जब उनकी माँ के सपने में नामगिरी देवी आई, उन्होंने बोला कि भाई जो भी बच्चा करना चाह रहा उसको कर जाओ और उसके रास्ते से हट जाओ, तो फिर उसके बाद उसकी मदर ने उनको परमिशन दे दी कि वो लंदन जाके अपनी रिसर्च करें। तो जब वो लंदन गए तो फिर उसके बाद वहाँ पर उनको नेवली थे, उन्होंने रिसीव करा, नेवली इनके दोस्त थे GH Hardy के, तो नेवली के साथ 6 महीने रहे।
अब नेवली से के घर से ये उधर जाते थे जी एच हार्डी के रूम में, और वहाँ पे जाके कई घंटों तक ये थ्योरम पे सॉल्व करते, रिसर्च करते थे एक के बाद एक। कुछ थ्योरम सॉल्व होती है, कुछ नहीं बन पाती थी, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती थी। दोनों का अलग अलग थे, ऐसा नहीं है दोनों में झगड़े नहीं होते थे हार्डी और रामानुजन में। हार्डी जो है हर बात का प्रूफ मांगते थे, ये मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे लोगों को दिखाना है कि ये कैसे आया। रामानुजन कहते प्रूफ नहीं है मेरे पास, सिर्फ मैं इंट्यूशन पे काम करता हूँ, जो मेरे भगवान बोला वो लिख दिया। और बाद में प्रूफ इस तरह से इनके रिसर्च चला कई साल तक, रिसर्च में 2 साल बाद काम करने के बाद इनको पीएचडी की उपाधि दी गई। उस जमाने पीएचडी को बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता था, बाद में इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में भी इंडक्ट करा गया, इनको लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में भी किया, क्योंकि इन्होंने रिसर्च की थी कंपोसाइट नंबर। रामानुजन के कुछ फेमस रिजल्ट की मैं आपके बात करूँ तो रामानुजन ने कहा कि 1+2+3+4 डॉट 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 का मतलब सोनी नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, इन सबको जोड़ के आएगा -1/12। आप और हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार कोई चीज जोड़े जा रहे और चीज ने कभी खत्म भी नहीं हो रहा, तो हमारा रिजल्ट क्या आता, इन्फिनिटी। पर रामानुजम ने कहा वो आएगा -1/12। ऐसी 1729 ये नंबर उन्होंने कहा, ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है, स्पेशल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब + 12 का क्यूब और दूसरा 10 का क्यूब + 9 का क्यूब। ये रामानुजम का तरीका था। इस नंबर के पीछे कहानी भी है, जब रामानुजम को जीएचआरडी, जब रामानुजम बीमार थे वो देखने गए, तो उन्होंने कहा यार आज कैब जिस कैब में मैं आया ना उसका बड़ा बेकार सा नंबर था 1729। तब रामानुजम ने उनको ये बात बताई थी। फिर रामानुजम कॉन्फ्रेंस में निकाला, सर्कल मेथड भी बताया पार्टीशन थ्योरी में, 1914 में एक फॉर्मूला निकाला जिससे हम पाई की वैल्यू कंप्यूट कर सकते थे। इनका मॉक थीटा फंक्शन था जो स्ट्रिंग फिजिक्स में भी काम आया, मॉडुलस फंक्शन था जो ब्लैक होल थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर पाया। रामानुजम जो है इंग्लैंड में 6 साल रहे, पर 1919 आते आते उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब होने लगी। देखो रामानुजम की तबीयत ख़राब होने के पीछे कई रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि रामानुजम जो थे स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी थे, नामगिरी देवी के भक्त थे, और इंग्लैंड में जब भी खाना था वो ज़्यादातर नॉन वेज टाइप का था, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती थी। उस समय वर्ल्ड वार का भी दौर चल रहा था 1914 से 1919, तो राशनिंग वगैरह प्रॉपर थी, सामान चीज़ें प्रॉपर नहीं आ पाती थी, प्लस राम इनको एक बीमारियाँ भी थी। कहते हैं कि रामानुजम को ट्यूबरक्लोसिस था पलक, हालांकि बाद में जाके जब 1994 में यंग एंड मिस्टर यंग नाम के साइंटिस्ट ने इनके रिपोर्ट देखी, सारे सैंपल देखे, पास हिस्ट्री देखी, लैब्स देखे, तो उन्होंने बताया कि रामानुजम को ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, उनको था हेपेटिक अमीबाइसिस। हेपेटिक अमीबाइसिस जो होता है हमारा ये डायसेंट्री होता है, जिसे आप हिंदी में पेचिस कहते हो, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। कई साल तक जब उसका डायसेंट्री का इलाज नहीं हो पाता था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू हेपेटिक अमीबाइसिस, जिसकी वजह से रामानुजम बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे, प्लस वो मेंटली भी बीमार रहते थे। इसका रीजन ये था कि देखिए रामानुजम जो है अपनी वाइफ जानकी से बहुत प्यार करते और बहुत ज्यादा मिस करते। उन्होंने अपनी उसकी मदर को खत भी लिखा कि आप मेरी वाइफ को मेरे साथ भेज दीजिए, पर उनकी माँ ने उनके साथ नहीं भेजा, जिसकी वजह से रामानुजम बहुत ज्यादा मेंटली भी परेशान थे। मेंटली परेशान इतना हो गए थे, एक बार तो उन्होंने ट्रेन के आगे लेट के खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, हालांकि उनके बचा लिया गया। 19 में जो है रामानुजम इंडिया वापस आ गए, हालांकि 26 अप्रैल 1920 को रामानुजम का निधन हो गया, काफी लंबे टाइम की बीमारी से उनका निधन हो गया। अब जब रामानुजम की डेथ हो जाती है, आयरनी देखो कि कितना जिस रामानुजम ने हमारे इंडिया के लिए कुछ किया, लास्ट में जो उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आता। इसका रीज़न ये था कि उनको ये था, लोगों को था कि जो इनकी मृत्यु हुई है ना रामानुजम की, वो इस वजह से कि ये समुद्र लांग करके चले गए थे और भगवान ने इनको जो है श्राप दिया है या फिर कोई भी इनको मतलब इनके कर्मों की सजा दी है, तो अगर हम इनका फ्यूनरल अटेंड करेंगे तो हम भी हमें भी श्राप लग जाएगा, तो उनका फ्यूनरल अटेंड करने भी कोई नहीं आया। आइए चलिए देखते हैं कि रामानुजम के बारे में उनके साथ रहने वाले, जो उनके साथ काम करते थे या जो उनको जानने वाले या जिन्होंने सुना उनके बारे में, वो क्या कहते थे। कुछ फेमस में थे, सबसे पहले जेम्स आर न्यूमैन कहते हैं, इन अ सिंपलेस्ट एरे ऑफ डिजिट्स डिटेक्टेड वंडरफुल प्रॉपर्टीज, कॉन्कोनेंस सिमेट्री एंड रिलेशनशिप विच हैड एस्केप्ड द नोटिस ऑफ इवन द आउटस्टैंडिंग गिफ्टेड थ्योरेटिशियन। मतलब कि बहुत गिफ्टेड थ्योरेटिशियन जो थे, बहुत माने जाने थे, वो भी बता नहीं पाए कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टीज को, सिमेट्रीज को, जो रामानुजन ने बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिए। आगे जाके फ्रीमैन डायसन कहते हैं, दैट वाज द वंडरफुल थिंग अबाउट रामानुजम, ही डिस्कवर्ड सो मच एंड येट ही लेफ्ट सो मच मोर इन हिज गार्डन फॉर अदर पीपल टू डिस्कवर। उन्होंने कहा रामानुजम के बारे में ये सबसे वंडरफुल बात थी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ डिस्कवर करी और अपने बगीचे में और भी चीज़ें कह दी जो ताकि तुम भी डिस्कवर करो, क्योंकि कई चीज़ तो उन्होंने बताई थी ना, सीधा रिजल्ट लिख दिए थे, आंसर नहीं बताया था किस तरह आएंगे, तो और लोगों के लिए भी हो गई।
इसी बारे में कहते हैं जॉर्ज एंड्रयूज कहते हैं देयर इज अ ग्रेट एक्सीलरेशन ब्रेकिंग वन ऑफ दीज थिंग्स. रामानुजम गेव नो हिंट नो प्रूफ ऑफ हिज फॉर्मूला सो एवरीथिंग यू डू इज यू फील इज योर ओन. ये कहते हैं हमारे जॉर्ज एंड्रयूज. इसका मतलब ये देखो रामानुजम बहुत सारे डिस्कस कई जगह तो उन्होंने सिर्फ क्या करता वो जो थ्योरम थी उसका रिजल्ट लिख दिया प्रूफ नहीं दिए थे. तो कह रहे अगर कोई अगर उसे सॉल्व भी करेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि मैं रामानुजम का काम कर उसको लगेगा मैं अपना अपना खुद का काम कर रहा हूँ. आगे जाके फ्रीमैन डाइसन कहते हैं द सीड फॉर रामानुजम गार्डन हैव बीन ब्लोइंग ऑन द विंड एंड हैव बीन स्प्राउटिंग ऑल ओवर द लैंडस्केप. कह रहे जो रामानुजम का बगीचा था मैथमेटिक्स का वहाँ के सीड बेटा आज भी जाकर कई कई जगह जाके फैल रहे हैं और सब अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं पूरे के पूरे लैंडस्केप में. आगे जाके कहते हैं समटाइम्स इन स्टडिंग रामानुजम वर्क सेड एट अनदर टाइम आई वंडर्ड हाउ मच रामानुजम कुड हैव डन इफ ही हैड मैक्सिमा और स्क्रैच हैड सम अदर सिंबॉलिक अलजेब्रा पे. कहते हैं यार कि अगर मैं सोचता हूँ कि रामानुजम के मान लो आजकल टेक्निकल गैजेट्स होते हैं कोई भी चाहे साइंटिफिक कैलकुलेटर है स्क्रैच पैड है लाइट पैड है कंप्यूटर तो वो कितनी सीख थे यार. रामानुजम के बारे में बताऊँ ना रामानुजम तो स्लेट पे लिखते थे क्योंकि पन्ने खरीदने तक के पैसे तो अपनी कोहनी से मिटोते थे उसको और कोहनी पे इवन कि खून आने लग जाता था इतना क्योंकि कहते थे यार कौन कपड़ा गीला करके लाया था टाइम निकल जाएगा थ्योरी का. तो इतनी बुरी हालत है रामानुजम की. रामानुजम के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्होंने क्या करा दिसंबर 22 को स्टेट आईटी डे मनाया जाता है तमिलनाडु में. दिसंबर 2011 से रामानुजम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन को नेशनल मैथमेटिक डे के नाम से ही मनाया जाता है. अब इवन की सरकार ने जहाँ पे जो रामानुजम बर्थ के बाद शिफ्ट हो गए थे रामानुजम के उसको रामानुजम मॉन्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया. जब रामानुजम अपने लास्ट ईयर में थे आखिरी से के साल में चले जाए उनको पता कि मृत्यु बहुत नजदीक है तब भी उन्होंने मैथ का दामन नहीं छोड़ा और लास्ट उन्होंने 600 पर फॉर्मूले लिखे बिना किसी प्रूफ के बिना किसी रिजल्ट के. ये रामानुजम की महानता को दर्शाता है. हमारे देश में हर फील्ड में रामानुजम है चाहे आप बात करो साइंटिस्ट की बात करो चाहे आप स्पोर्ट्स में बात करो चाहे आप रिसर्च में बात करो या कच्ची टीचिंग में बात करो या किसी भी प्रोफेशन में बात करो हमारे भारत देश में हर फील्ड में रामानुजम है. आवश्यकता है बस उनको पहचानने की उनके टैलेंट को एक उठाने की उनको एक सपोर्ट करने की ताकि अपना वो ड्रीम कैरियर गोल छोड़ के किसी और फील्ड में ना जाए. इस वीडियो में करेंगे इतना ही तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में. जय हिंद जय भारत.